वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल ये टॉपिक का 7th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एल हॉस्पिटल रूल का कुछ बेसिक पता होना चाहिए, डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलेस पता होना चाहिए और लिमिट के भी कुछ फार्मूलेस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वैसे बीच बीच में हम सभी फार्मूलेस आपको बताएंगे, जो भी फार्मूलेस आपके पास नहीं होंगे तुरंत अपने नोटबुक में लिख लेना। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इवेल्युएट क्वेश्चन में लिखा है, इवेल्युएट देखो बहुत बड़ा फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में लिखा है देखो लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस x एंड डिनोमिनेटर में है x इंटू टेंस क्यूर x, हमें इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिमिट पुटअप करेंगे, है ना, लिमिट दिया है ना x टेंस टू 0, तो क्या करो यहां लिमिट पुटअप करो। लिमिट पुटअप करके चेक करो कि इसका कोई फाइनाइट वैल्यू आता है या नहीं। अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया तो वही उसका फाइनल आंसर है, लेकिन अगर वैल्यू नहीं आया तो इट मींस ये अनसॉल्व रहेगा। अनसॉल्व कब रहेगा, जब यहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म तैयार होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, देखो हमने इसके पहले के वीडियोस में भी बताए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, तो इस टाइप के कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर यहां पे आते हैं लिमिट पुटअप करने के बाद, तो ऑब्वियसली वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन अगर आया तो वो अनसॉल्व रहेगा। तो फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। इसका मतलब ये है कि एल हॉस्पिटल रूल से प्रॉब्लम सॉल्व तब करना है जब ऐसा कोई फॉर्म आता है लिमिट पुटअप करते समय। चलो यहां पे देखते हैं कि ऐसा फॉर्म आता है क्या लिमिट पुटअप करते समय। तो चलो हम यहां पे पहले लिमिट पुटअप करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले ये गिवन फंक्शन को कोई दूसरे अल्फाबेट से या वेरिएबल से असाइन कर लेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे लेट एल इक्वल टू गिवन फंक्शन। देखो ये पूरा का पूरा हम इसको एल से असाइन कर लेंगे। तो हमने इसको एल से असाइन किया है और अब चलो यहां पर क्या करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे। ये जो लिमिट है ना, क्या लिमिट है, एक्स टेंस टू 0, ये लिमिट यहां पर पुटअप करो। लिमिट पुटअप करके देखो कि डेफिनेट वैल्यू आता है या नहीं। तो हम यहां पे अगर चेक करें तो लिमिट क्या है, x टेंस टू 0, मतलब जहां जहां पे x है वहां 0 पुट करो। तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन x यानी साइन 0, उसके बाद माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस 0, है ना, और डिनोमिनेटर में x यानी 0, 0 इंटू टेंस की और 0, ये देखो ऐसा। तो यहां पे 1 प्लस साइन 0 यानी 0, कॉस 0 यानी 1, लॉग ऑफ 1 यानी 0 और डिनोमिनेटर में 0, तो न्यूमरेटर में हो गया 1 माइनस 1 बाय 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0। देखो 0 माइनस 0 का फॉर्म आ गया, मतलब ये वाला फॉर्म आ गया। हमने आपको कहा था ना ये जो फॉर्म आया है ना, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। लिमिट पुटअप करने के बाद हमने चेक किए तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये अनसॉल्व रह रहा है, ये नॉट डिफाइंड वाली स्टेट है, यानी इन्फिनिटी वाली स्टेट है, नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे, यहां भी लिखा है इवेल्युएट, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने लिमिट पुटअप करके देखे, फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो अब हम यहां एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, तो चलो अब एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे करेंगे वो समझ लो। एल हॉस्पिटल रूल में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर ये जो गिवन फंक्शन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद नया फंक्शन बनेगा, है ना, फिर वो नए फंक्शन में लिमिट पुटअप करना और देखना कि वहां कोई डेफिनेट वैल्यू आता है या नहीं, या फिर से ऐसा कोई फॉर्म आता है क्या। अगर फिर से ऐसा कोई फॉर्म आ गया तो फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करना, फिर उसमें लिमिट पुटअप करना, फिर चेक करना। मतलब ये आपको तब तक करना है जब तक आपको कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलता। जब जब आपको ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है तब तब आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, समझे। चलो यहां पर ये सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो फिलहाल हमने चेक कर लिया है यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, तो हमें इसको यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो देयरफॉर बाय एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन एक काम करेंगे, एक मिनट, यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के पहले एक काम करेंगे। यहाँ पे जो देखो हमने क्या कहा, एल हॉस्पिटल रूल में आपको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिनोमिनेटर में एक्स इंटू टेंस की और एक्स है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर वो, है ना। एक काम करते हैं, यहां पे tan square x को हटा देते हैं। अगर हम tan square x को हटा देंगे वहां से, अगर उसको इलिमिनेट कर देंगे तो डिफरेंशिएट करना और भी आसान हो जाएगा। कैसे, देखो कैसे हटाना, उसके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला आपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। देखो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0
लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन स्क्योर एक्स बाय एक्स स्क्योर ये वन होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है ना, ये लिमिट का स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, हम इसका यहां पे यूज करेंगे। कैसे? टेन स्क्योर एक्स बाय एक्स स्क्योर के जगह वन आता है अगर हम उसमें लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो यहां पे टेन स्क्योर एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्योर तो है ही नहीं, तो हम वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। देखो कैसे ये एडजस्टमेंट होता है, समझ लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब ये एडजस्टमेंट करने के लिए देखो, ये पूरा फ्रैक्शन हमने यहां पे ये स्टेप पूरी यहां पे कॉपी कर लिए, नीचे ले लिए। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना, जहां टेन स्क्योर एक्स है उसके डिनोमिनेटर में लिख लो एक्स स्क्योर, ये देखो, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में दे दो। हमने यहां पे एक्स स्क्योर दे दिए। अब यहां पे ये एक्स स्क्योर को कट करने के लिए ये जो बाहर का एक्स स्क्योर है ना उसका पावर बढ़ा दो, पावर हमने थ्री कर दिए, यहां पावर थ्री कर दो। अब देखो क्या ये दोनों स्टेप सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां देखो डिनोमिनेटर में यहां पे एक्स स्क्योर और यहां का एक्स स्क्योर अगर कट कर दिए तो यहां पे एक एक्स बचेगा, तो इनडायरेक्टली वही आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमने यहां पे एक्स स्क्योर को एडजस्ट किए, क्यों? क्योंकि हमें इसके जगह लिमिट पुट अप करके वन ऐसा हमें लिखना है, तो चलो अब यहां पे लिमिट पुट अप कर लो, बस इतने स्टेप में लिमिट पुट अप कर लो। टेन स्क्योर एक्स बाय एक्स स्क्योर के जगह लिमिट पुट अप करेंगे तो यहां पे आ जाएगा वन, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो देखो फिर से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके फिर से ये हमने यहां नीचे ले लिए, और अब ये स्टेप को हटाना है, ये जो टेन स्क्योर एक्स बाय एक्स स्क्योर है ना इसको हटा दो, हटा दिए क्योंकि वहां पे वन हो गया, ठीक है ना, और ये इतना फ्रैक्शन बचा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब अब यहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करो, ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे, समझ में आया ना आपको ये एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो आपको ऐसा चेक कर लेना है कि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है या नहीं, अगर लगता है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके वहां पे सेट करके वहां पे सॉल्व किया करो। इसके पहले भी हमने एक दो प्रॉब्लम्स में ऐसा किए हैं, ठीक है ना, ये पहली बार किया, ऐसा नहीं है। सो नाउ बाय एल हॉस्पिटल रूल, नाउ बाय एल हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल में हमें क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो हम ये लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, तो न्यूमरेटर में वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस साइन x का हो गया cos x, माइनस cos x का हो गया माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब log ऑफ ब्रैकेट का हो जाएगा प्लस वन बाय ब्रैकेट, देखो आपको log का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, यहां log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय x, है ना, तो log ऑफ ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा वन बाय ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर उसको अलग से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन ऐसा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा थ्री एक्स स्क्योर। तो ये हमने फाइनली पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लिए, तो ऐसा हमें मिला है। यहां इंपॉर्टेंट ये है, देखो यहां पे वन बाय ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट किए तो माइनस वन आया यहां पे, ठीक है। तो हमने आपको कहा था कि डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कर लिए। अब यहां पे फिर से लिमिट पुट अप करो और देखो अभी भी यहां इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है या कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो चलो चेक करके देखते हैं। तो रफली चेक करेंगे, ठीक है, x के जगह जीरो पुट करो, जहां जहां x है वहां जीरो पुट करो, तो यहां cos जीरो मतलब वन हो जाएगा, sin जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, यहां पे वन बाय वन माइनस जीरो यानी इनडायरेक्टली वन, और ये माइनस वन तो यहां माइनस वन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस वन यानी फिर से जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है। फिर से ये देखो, फिर से वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब फिर से ये अनसॉल्व रह रहा है। तो यहां पे आप फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, इट मींस फिर से यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो और फिर कोई नया फंक्शन बनाओ और फिर उसमें हम फिर से लिमिट पुट अप करके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वहां तक समझ में आया? चलो इसको आगे बढ़ाते, ये हटा देते हैं, इसका काम यहां पर हो गया, यहीं पर हम सॉल्व करने वाले अब। तो चलो यहां पर हम सॉल्व करेंगे। सो एल इक्वल टू, सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, ओके, फिर sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है। अब यहां पे माइनस ये बाहर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहां पे वन बाय ब्रैकेट, तो वन बाय ब्रैकेट का हो जाएगा माइनस, तो प्लस वन बाय ब्रैकेट स्क्योर यानी वन माइनस एक्स का होल स्क्योर, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन। देखो यहां गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए डिफरेंशिएशन, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x, ऐसा गलती कहां होती है? देखो गलती यहां पे होती है, क्योंकि ये वन बाय ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन में गलती होती है। फार्मूला आपको लिख के देते हैं, चलो फार्मूला ऐसा है, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ
वन बाय एक्स ये होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्योर, है ना, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्योर, है ना। तो ये वन बाय ब्रैकेट का हो गया माइनस वन बाय ब्रैकेट स्क्योर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, ये वाला माइनस है ना, माइनस और डिफरेंशिएशन का माइनस, प्लस हो गया माइनस वन बाय ब्रैकेट स्क्योर, और फिर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से माइनस वन आएगा, जैसे यहां ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन किए तो माइनस वन आया था ना, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से, ठीक है। अब यहां फिर से यहां पे लिमिट पुटअप करो और फिर से चेक करो कि क्या अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमें फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो यहां चेक करके देखते हैं, पहले चेक करना पड़ेगा, x के जगह जीरो पुट करो तो यहां माइनस साइन x यानी माइनस साइन जीरो यानी जीरो, कॉस जीरो यानी वन, उसके बाद ये माइनस बाहर ले लो और ये वन बाय वन यानी वन और डिवाइडेड बाय जीरो यानी वन माइनस वन, फिर से जीरो बाय जीरो का फॉर्म आ रहा है, फिर से जीरो बाय जीरो यानी फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, वही जो इसके पहले आया था। इसका मतलब हमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। तो चलो अब अप्लाई करेंगे फिर से एल हॉस्पिटल रूल, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस बाहर ले लो। अब ये वन बाय ब्रैकेट टू द पावर टू है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सेट करके या फार्मूला बना के कर सकते हैं। जैसे देखो फार्मूला अगर तैयार करना है, देखो कई बार कैसा है कि डायरेक्ट कोई फार्मूला लगता है, कई बार फार्मूला तैयार करना पड़ता है। देखो हम यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है हम आपको फार्मूला बता देते हैं पहले। जैसे देखो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, तो ये क्या होता है, ये होता है n x टू द पावर n माइनस वन, सही है, ये फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे आप थोड़े से चेंजेस करो, x टू द पावर n के जगह x टू द पावर माइनस n करो, अगर यहाँ x टू द पावर माइनस n है तो यहाँ पे भी माइनस n x टू द पावर माइनस n माइनस वन हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस लगाए थे तो यहाँ पे भी हर जगह माइनस लगाया, ठीक है ना। अब ये x टू द पावर माइनस n का मतलब होता है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये देखो x टू द पावर माइनस n का मतलब होता है इनडायरेक्टली वन बाय x टू द पावर n, है कि नहीं, ये देखो वन बाय x टू द पावर n, तो रिजल्ट ये बना, ठीक है ना। आप इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे ये है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस एन बाय एक्स टू द पावर एन प्लस वन, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखो ये ऐसा, यहाँ पे माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो एन प्लस वन रहेगा, यानी माइनस ऑफ एन प्लस वन, मतलब ये ऐसा माइनस ऑफ एन प्लस वन, तो ये पावर में है ना, तो अगर ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो ब्रैकेट के आगे प्लस रह जाएगा, ठीक है। तो आप ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करो, देखो 1 बाय x टू द पावर n, देखो 1 बाय ब्रैकेट टू द पावर 2 है ना, तो यहां पे ये फार्मूला अप्लाई करो माइनस n बाय x टू द पावर ब्रैकेट में n प्लस 1, तो हम यहां पे वही फार्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे जैसा हमने बताया। तो ये पहले माइनस है, अब ये माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर 2 बाय ब्रैकेट 1 माइनस x, और यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3, और फिर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करो तो फिर से माइनस 1, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट देखो क्या है इसमें फार्मूला यूज करना, माइनस एन यानी माइनस टू, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, फिर ब्रैकेट टू द पावर एन प्लस वन, एन का वैल्यू टू है तो ब्रैकेट टू द पावर टू प्लस वन यानी थ्री, और ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएट करो तो माइनस वन हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो सिक्स एक्स का बन गया सिक्स। तो ये हमने यहां तक देखो हमने डिफरेंशिएट कर लिए बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, और ये स्टेप हमें मिला। अब यहां पर फिर से लिमिट पुटअप करो, यहाँ पे फिर से लिमिट पुट अप करो और देखो क्या अभी भी यहाँ पे जीरो आएगा, मतलब जीरो बाय जीरो का फॉर्म आएगा, ऐसा कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, आई थिंक नहीं आएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में सिक्स है, मतलब डिनोमिनेटर में अभी तक कैसा एक्स था, है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, इस बार देखो डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है सिक्स है, मतलब ये है कि न्यूमिनेटर में कुछ भी हो डिनोमिनेटर में तो सिक्स रहना तय है, डिनोमिनेटर में सिक्स रहना तय है, न्यूमिनेटर में कुछ भी हो। देखो न्यूमिनेटर में अब क्या हो सकता है, कॉस एक्स यानी कॉस जीरो यहाँ पे वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये टू बाय वन क्यूब ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि इस बार डिफिनेट वैल्यू मिल रहा है। यस, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो रहा है, बस आखिरी स्टेप रहेंगी। चलो अब लिमिट पुटअप करेंगे, मतलब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो पुट करो, तो ये माइनस कॉस ऑफ जीरो माइनस साइन ऑफ जीरो प्लस टू बाय वन माइनस जीरो क्यूब, और फिर ये माइनस वन, देखो बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, बाय सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, डेफिनेट वैल्यू मिलने वाला है, माइनस कॉस जीरो यानी वन, तो माइनस वन, ये साइन जीरो यानी जीरो, सो जीरो, फिर टू बाय वन क्यूब यानी वन, तो ये हो जाएगा टू, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस टू बाय सिक्स, ठीक है। सो माइनस माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस थ्री बाय सिक्स, यानी ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू,
ठीक है, इसका मतलब ये है, हमें ये आंसर मिल चुका है -1/2, यानी इसका वैल्यू जो हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था, ये देखो ये इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था, ये हमने यहाँ पे गिवन यहाँ पे लिख लिया है, और इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था और हमने वैल्यू इवेल्युएट कर लिया है। क्या आया है यहाँ पे, इसका वैल्यू आया है -1/2। इसका मतलब ये है, देखो प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया, डेफिनेट वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है -1/2। तो फाइनली पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। देखो यहां से हमने स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स को हटाए बाय यूजिंग द फार्मूला एडजस्टमेंट करके, उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किए लिमिट पुट अप करके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था तो हमने एल हॉस्पिटल रूल से उसको डिफरेंशिएट किए, फिर हमने चेक किए तो फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था, फिर यहाँ पे हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट किए, फिर हमने यहाँ पे चेक किए इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है क्या नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमने फाइनली लिमिट पुट अप किए, लिमिट पुट अप करने के बाद यह आंसर मिला -1/2 रिजल्ट हमें मिला है और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये इसका वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, गिवन क्वेश्चन का ये आंसर -1/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, किस तरह से फार्मूले का यूज किए, कैसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक किए, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, वैसे ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में आप कोई भी प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था एल हॉस्पिटल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।